गोंदिया जिले में इस वर्ष 21 स्थानों पर रावण दहन का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी विजयादशमी के अवसर पर नूतन स्कूल का रावण दहन कार्यक्रम सिविल लाइंस मामा चौक के मैदान में आयोजित किया गया। पिछले 24 वर्षों से रावण दहन किया जा रहा है। पिछले 24 वर्षों में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मथुरा से राम सीता लक्ष्मण हनुमान के आकर्षक स्वरूपों को आमंत्रित किया गया है। भव्य आतिशबाजी की गई। इस कार्यक्रम के मौके पर दिग्गजों सरकारी और रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा 51 फीट के रावण की पुतली का दहन किया गया। प्रफुल्ल भाई को हम वनवास जिले 24 साल बाद हमारे मंच में आए और ये सारा प्रोग्राम जो प्रफुल्ल भाई के ही नाम से होता है दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रफुल्ल भाई के आने के बाद हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा। आतिशबाजी ये इंदौर की है, कलाकार पूरे इंदौर के हैं और मथुरा से हमारे यहाँ जो रामकृष्ण डांस का प्रोग्राम हुआ वो मथुरा से बुलाया गया। 24वां साल है हमारा, ये 45 फुट का रावण था और आतिशबाजी जो होती है इसमें हमारे सब विभिन्न प्रकार के हम लोग आइटम लाते हैं, जहाँ जहाँ अच्छे मिलते हैं। इंदौर का सबसे ज्यादा वो राजनांदगांव और रायपुर, यहाँ सबके हमारे पास आतिशबाजी आती है। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।